और खून को देख के ना। मैं नए मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ और ये शायद से हिल रहा है। और मम्मा बाय, ले रोटी ले जा। अच्छा चलो ठीक है, गाय के लिए रोटी ले जाता हूँ। बाय बाय बाय, फोन दे रही इधर। अच्छा इसको भी लेके जाएगा क्या? सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप, प्लीज जरूर बताइएगा। बाय। सुबह के बजे हैं अभी 8:15, रौनक चला गया है स्कूल, घर के हाल बिल्कुल खराब और लगातार तीसरा दिन है जो लाइट हमारे है पता नहीं पर चमत्कार हो गया है। तो अच्छा रहता है अगर लाइट रहती है तो थॉरली सुबह से ही काम शुरू हो जाते हैं। और तबीयत आज ठीक है, हल्का सा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है और एक दवाई जो मैंने ले ली है वो है ये गैस्ट्रिक की, भूखे पेट उसके बाद खाना खाना है, फिर और दवाई लेनी है और इसके बाद फिर काम शुरू हो जाना है। रही बात मौसम की, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेकिन थोड़ा सा ख़राब होने लग गया है। होप कि अभी जब तक हम घर ना जाए मौसम ऐसे ही रहे साफ, ताकि हमें जो है लाइट की प्रॉब्लम ना हो। परेशान हूँ, झड़ रहे हैं तो हस्बैंड को बोला थोड़ा सा प्याज का रस निकाल दो। प्याज का रस निकालते निकालते ना मेरी आंखों का रस निकल गया। एक बार पहले भी मेरे बाल झड़ने शुरू हुए थे, मैंने उस टाइम भी प्याज का रस लगाया था और सच मानू एक बार में लगा के ही फ़ायदा मिल गया था। तो मैंने सोचा चलिए यही लगा देती हूँ और हस्बैंड ने भी बोला चलिए यही ठीक रहेगा। और दूसरा जब लगाता है ना जड़ों जड़ों तक लग जाता है, इसीलिए इन्होंने लगा दी, मसाज जैसी कर दी और सिर दर्द हो जाती है इससे। फिर इसके ऊपर धातु बांध देना पड़ता है ताकि थोड़ी सी स्मेल इधर उधर भी बहुत ही मतलब कि अपने को लग जाती है। 1-1.5 घंटा रहने दूँगी। और सुबह सुबह ना आज एक अच्छी खबर मिल गई, दी और जीजू मम्मी को लेके जो है शिमला गए हैं। उनका क्या हुआ कि आज मतलब कि 20 तक उनका था कि चेकअप होना था, और जैसे उनका ऑपरेशन हुआ ना प्लेट पड़ी उनके टांग में, तो आज उनका जो है वो पट्टी सी लगी होती है ना बाहर ऑपरेशन के बाद, वो खुल गई है और पिक भी भेजी है। मैं पिक भी यहाँ लगा रही हूँ। माँ बाप ऐसी चीज़ होती हैं, अगर उनको कुछ हो जाए मतलब कि आप सोच लो, मैंने देखा है बहुत बुज़ुर्ग अवस्था में भी, जैसे मान लो आप अगर 70-80 साल के हो और उसके बावजूद आपके माँ बाप हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, तब भी दिल करता है कि वो लंबी उम्र ही जिए और उनके साथ कभी भी कुछ बुरा ना हो। ठीक वैसा ही हम भी चाहते हैं हमारे माँ बाप हमेशा सही रहें, अच्छे रहें, ठीक से रहें। तो जिस दिन मम्मी के साथ एक्सीडेंट हुआ, सच में आज भी बहुत ही मतलब कि कांप जाती हूँ जब, सच में मतलब कि जूले बोला ना हमारे बोला तेल करशांड है गूज बॉम्ब्स जिसको बोलते हैं वो उठ जाते हैं। तो आज थोड़ी सी खुशी है क्योंकि मम्मी को ना जैसे उसमें पट्टी लगा के रखते थे, प्लस्तर तो नहीं था ना, खारिश होती थी और वो बहुत ही मतलब कि अब क्या बताऊँ, जैसे टांगे वगैरह ठीक हो रहे होते ना तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और अभी भी उनका पूरा पता नहीं है कि वो मतलब कि, क्योंकि एक्सरे अभी हो रहा था जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना दिन को ही, एक तो इस वाले फ़ोन में मुश्किल हो गए, सिर दर्द वाले काम हो गए हैं, इसीलिए ज़्यादा वॉइस ओवर में ही निकल रहा है क्योंकि इसमें एडिटिंग का पता नहीं लगता है शुरू शुरू में। जैसे शुरू शुरू में 2 साल पहले ये तो वही हिसाब हो गया, जैसे मतलब कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ही जाके अटक गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काइनमास्टर से ही एडिटिंग करने में 6 महीने जो है सीखने में लग गए, थोड़ा सा आइडिया है अब, पर फिर भी मतलब कि एक वीडियो एडिटिंग करने में ही मतलब कि 4 घंटे लग गए। सुबह की बैठी हूँ तो पता नहीं अब कैसी कैसी एडिटिंग होके आ गई है आपके सामने। और चलिए फटाफट से घर की भी सफाई हो गई है, रौनक को भी छोड़ दिया है, सिर में मैंने प्याज भी लगा के रखा है। और आपको बता दूं ये वाली जो ट्रिक है ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जब मैं इतना कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ तो बाथरूम की सफाई भी चलिए शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होती है ना वो ही मतलब कि अपने घर के स्वीपर और अपने घर के धोबी और अपने घर के मतलब कि हर काम जो है खुद ही करते हैं। हालांकि ये वाला काम तो शादी से पहले मतलब कि सवाल ही नहीं बनता था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे फिर सभी सीख जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है, प्राउड करती हूँ अपने आप को कि अपने घर का मैं खुद से ध्यान रखती हूँ। और चलिए फटाफट से बाथरूम की भी सफाई हो गई है, लेकिन ये काम करने के बाद तो नहाना बनता ही है, पहले इसीलिए नहीं नहाती हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ सारे काम करने के बाद, खासकर जिस दिन ये सफाई करनी होती है। और कपड़े मशीन में धुलते हैं लेकिन बाल्टी में डाल के रखने पड़ते हैं पहले गर्म पानी में, हल्के से ल्यूक वार्म वाटर में, क्योंकि इतना सारा पानी करना गर्म तो मुश्किल हो जाता है ना उसके बाद। हेलो, तो दिन के बजे हैं अभी कितने, 2, रौनक आने वाला है, मैं बनाती हूँ खाना,
पापा की परियां जो शादी से पहले कुछ भी नहीं करती थी मेरी तरह, वो भी पहले कुछ नहीं करते थे, मतलब कि बाथरूम टॉयलेट साफ करने का तो सवाल ही नहीं होता था। पर आज भी जैसे ही मैं बाथरूम टॉयलेट साफ करती हूँ उसके बाद सीधा ही नहा लेती हूँ, पर घर अच्छे से साफ हो गया है फटाफट से बनाती हूँ खाना। और हम हिमाचलियों को पाँव नंगे रखना अलाउ नहीं है, ठंड लग जाती है, तो सबसे पहले सॉक्स पहनती हूँ फिर खाना खाएंगे रौनक के आने के बाद, फिर सीधा धूप में। नहीं पता क्या ना होगा ना वायरिंग से ना वहाँ वाली कनेक्शन बगैर फिर आप भी फायदा होगा उसमें, जब आप छुट्टी पड़ेगी वहाँ आगे तो हम हीटर जला सकते हैं, फिर कल वायरिंग वाला बंदा आएगा रिस्टार्ट करके हेल्प करके, जल्दी में दो दिन में निपट जाएंगे, फिर मैं वापस आ जाऊँगा उस पर। मम्मा का ध्यान रखिए, मम्मा को दवाई खिलाई वो खाते ही दवाई है ना, यहाँ खाली दवाई अभी अभी टाइम खाने का दवाई खाने का, सुबह से तरक रही गई जाना था घर। हाँ। देखो इधर से रौनक के होंठ फट गए हैं। इसको कमेंट थे कि इसमें ग्लिसरीन वगैरह लगाना, पर मैं सब कुछ ही लगा रही हूँ अभी ऐसे रखा है। स्कूल से आगे थोड़ा सा खाना खा के एक डेढ़ घंटा बाद नहला दूंगी इसको, और ये जा रहे हैं घर, कुछ काम पड़ गया घर में इसलिए घर जा रहा हूँ, दवाई खा लियो दोबारा आऊंगा ठीक है अभी खा लियो दवाई। ओके जल्दी आना ना, सुबह खाली पेट वाली दवाई तो खा ली लेकिन बाकी दवाई खाना भूल गई थी, पर अभी खाना खा के ना खा लिया है, अभी खाना खा के फटाफट खा लूंगी। मम्मा जी हम कब जाएंगे घर? बस छुट्टियां पड़ेगी फर्स्ट से, रोनो को छुट्टियां तो थर्टी से कर दिया अब। 30 से? हाँ तो बस एक दो दिन आगे हो जाएगी और हम भी फिर चले जाएंगे, वायरिंग हो जाएगी ना तो रौनक के लिए वहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है सच में काम करते करते हम ना जो अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं, लेकिन फिर मुझे याद दिला दी थी हस्बैंड ने और मैंने फटाफट से दवाइयाँ खा ली और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर दिया क्योंकि अभी टाइम भी है, धूप के आने के बाद ही हुआ ये। हस्बैंड जैसे ही गए ना फिर बाहर बैठी रही। और चलिए रौनक नहाएगा, मेरे भी बाल सूख गए हैं, सोती हूँ अब, रेस्ट करूँगी दवाई खाकर। क्रिसमस ट्री बनाने की ड्यूटी दी है, मैंने पहले पूछा था कि क्या आप दोनों पास पास में रहते हो, तो हम दोनों सबसे अच्छी ड्रा करते हैं ना क्लास में, इस दोनों ने इस क्रिसमस ट्री बनाने की जिम्मेदारी हमें दे दी और बाकी स्टूडेंट्स को भी अलग अलग कर जिम्मेदारी दी है, जिनको कुछ नहीं है ना बनाने के लिए उन्हें बोल दिया बेल दो दो बना कर लानी है, तो देखते हैं अब क्या करते हैं, है ना ब्लिच लास्ट में दिखाएंगे। ये बम्बल सॉल्व करने में लगा और तब तक मैं यू नो करूँगा ड्राइंग। और मम्मा सोया बाय द वे ये अंदर है, मम्मा को कॉल आया था कि दुइज भी आएगा, तो मैंने सोचा कि मैं दुइज के घर जाऊंगा पर दुइज यहीं आ गया, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी दुइज चला गया है और आज हमने उसकी लाइनिंग वगैरह कर दी, इतना टाइम पहले ही लग गया उसमें सारा सामान लाने में, ग्लू वगैरह लगाने में और लाइनिंग करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अब कल हम उसमें कलर वगैरह उसको बना देंगे क्योंकि परसों तक मांगा, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। पूछना पड़ेगा कि मम्मा ने दवाई खाई कि नहीं, वरना तो पापा ने बोला है कि मम्मा से पूछते रहना कि दवाई खाई कि नहीं, तो देखते हैं। मम्मा 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 हमने दवाई खा ली थी ना, दवाई खा ली थी ना आपने, अच्छा मेरे पापा ने बोला है कि पूछते रहना मम्मा से। अभी इस वाले फ़ोन में तो एडिटिंग करने की भी मुश्किल आती है, 6 बजे हैं और सब्जी लाने चली गई थी और रास्ते में पता नहीं कोई गिर गया है, सारे में खून ही खून और खून को देख के ना थोड़ा सा अजीब सा हो गया, पता नहीं क्या हुआ था वहाँ पे। और रौनक जब आप गए थे वहाँ पे ब्लड था रास्ते में बहुत सारा, क्या था वो? शराब पी के ऐसे भी कैसे गिरे, मतलब कि पूरा ही रास्ता खून खून वाला कर दिया है, सच में डर जैसा लग गया था, हालांकि दुकान तक लाइट जली रहती है तो उतना डर तो नहीं लगा, पर फिर भी चलिए अब शाम के लिए बनाऊंगी आज सोया चंक्स न्यूट्री जो रहती है हमारी, फटाफट से इजी सी बनने वाली रेसिपी है। नया वाला फोन है ना, इसमें ना ही वीडियो बनाने का पता लग रहा है खास और ना ही एडिटिंग का, स्मूथ चल रहा है मम्मा, है ना स्मूथ तो चल रहा है ना, पर बेटा एडिटिंग के लिए क्योंकि इसमें थोड़ा एडिटिंग के लिए उन्होंने दूसरी ऐप ले ली है, चलिए कोई ना कर लूंगी, अभी से ही लगी रहूंगी जितनी होगी फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी।
रौनक की फेवरेट डिश है ये सोया चंक्स जो पैकेट में आती है वो वाली। मैंने छोटी कटोरियाँ दो ले ली है और छोटी वाली है ये न्यूट्री, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको बहुत दिख रही होंगी ना, लेकिन उतनी नहीं है। उबलते पानी में डाल दी है, पानी सारा सोख कर गई है। फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छे से ड्रेन कर दिया था और सारी ऑयल में डाल दी है और अच्छे से इनको इस तरह से मैंने इसमें डाल के 2-3 मिनट पका दिया है और इसमें इस तरह से अच्छे से पाड़ी दीमार बोला डम्ब जोला बनाओ। उसके बाद इसमें डाल दिए मैंने सारे ही ग्रीन चिल्ली, प्याज, टमाटर, सारा कुछ ही जो भी रहता है मसाले, और उसी के साथ ही हल्दी, यहाँ पे मसाले भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैंने ज़्यादा नहीं डाले, सिर्फ मेथी पाउडर डाला है और हल्का सा कलर के लिए रेड चिल्ली पाउडर, अपनी जो कलर वाली ही मिर्च आती है ना वो वाली ऐड कर दी थी। और उसके बाद इसको पकने देना है लगभग 4-5 मिनट ताकि इसमें जो है मसाले कोई भी कच्चे ना रहे। उसके बाद इसमें रेड चिल्ली सॉस, इस वाले सॉस से इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, और चाहो तो आप इसमें सोया सॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हो, वो मैंने कुछ नहीं ऐड किया है। सिंपल सा पानी डाल के थोड़ा सा 2 मिनट तक इसको पका दिया और हमारा बहुत ही अच्छी सी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। लास्ट में इसमें ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देना है राइस के साथ, सच में झटपट बना लो। नमक भूल गई थी तो नमक लास्ट में ऐड कर दिया है और इसके बाद राइस के साथ ये देखिए बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं ली, रौनक को खिलाई और ख़ुद मैंने खिचड़ी भी खाई दिन की। और चलिए फिर फ्रेंड्स, आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ ये डिनर आज। आज चपाती इसीलिए नहीं बनी क्योंकि रौनक ने दिन को चपाती खा ली थी। और वीडियो का भी कर देती हूँ मैं अब यहीं एंड, मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू। My appetite.